सवाल ये आता है कि आपने जो डिग्री खरीदी वो डिग्री फर्जी है या असली है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी है तो यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड भी होगा। डिग्री बेचने के बाद में आपका कोई रिकॉर्ड सही से मेंटेन करती नहीं है, और जब भी कभी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी बुला लेते हैं। दोस्तों, जो भी कोई स्टूडेंट बैकडेट डिग्री करता है या कोई भी कंसल्टेंट अगर बैकडेट डिग्री के लिए काम करता है, आपने बैकडेट डिग्री ली किसी भी पर्पज के लिए, प्राइवेट नौकरी में लगाना है, कई लड़कियों की शादी के लिए भी डिग्री यूज की जाती है, या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए भी बैकडेट डिग्री यूज की जाती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए डिग्री यूज की जाती है, यहां तक कि प्राइवेट जॉब के लिए भी इस तरह की बैकडेट डिग्री इस्तेमाल की जाती है। सवाल यह आता है कि आपने जो डिग्री खरीदी वो डिग्री फर्जी है या असली है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी है तो यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड भी होगा, आपका ऑनलाइन भी आ रहा होगा। देखो दोस्तों, ऑनलाइन आना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो साइट को हैक कर लिया गया था, ऐसी कंप्लेंट्स अक्सर यूनिवर्सिटीज लिखवा देती हैं या डाल देती हैं अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी एक स्टाफ के ऊपर कि उसने सब कुछ कारस्तानी नहीं की, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है। क्या आपकी फाइल प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी में बनी हुई है? क्या आपके सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में है? क्या आपका माइग्रेशन उस फाइल में लगा हुआ है? क्या आपने जब एडमिशन लिया तो वह एडमिशन फॉर्म उस फाइल में है? दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को देखने को नहीं मिलेगी जिन्होंने बैकडेट तरीके से अपनी डिग्री ली है, और ये बहुत हानिकारक भी है। जब भी कभी सिलेक्शन कहीं पर होगा ना दोस्तों, 100% आपकी डिग्री को डीवेरीफाई कर दिया जाएगा और आप जाओगे जेल। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें देखना बहुत जरूरी है, फाइल को आप कैसे चेक करेंगे अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप चेक करवाना चाहते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए बैकडेट डिग्री की रिकॉर्ड को कैसे यूनिवर्सिटी में चेक करें, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट जिसने बैकडेट डिग्री ली है, कोई भी कंसल्टेंट जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या कोई भी अगर यूनिवर्सिटी का कोई भी एम्प्लॉई अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बैकडेट डिग्री से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हमेशा एक तलवार आपके सर पर लटकी ही रहती है और प्रॉब्लम में आप रहते ही हो, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं डिग्री बेचने के बाद में आपका कोई रिकॉर्ड सही से मेंटेन करती नहीं है, और जब भी कभी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी बुला लेते हैं अगर इनके पास रिकॉर्ड होता है, फिर आपसे माइग्रेशन मांगा जाता है, बहुत तरह के साइन कराए जाते हैं। दोस्तों, आप करें क्या अपने रिकॉर्ड को चेक कराने के लिए? हालांकि मैं तो आपसे हमेशा बोलता हूं कि आरटीआई जरूर लगाएं, आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सीधा यूनिवर्सिटी को भेजें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी रिप्लाई करती हैं, ऐसी बात नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती हैं वो रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही आप लगाइए एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन को भी आरटीआई, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है किसी भी स्टेट में जहां पर रेगुलेटरी कमीशन होता है, उसके पास पूरी लिस्ट जाती है हर साल की, हर साल में कितने स्टूडेंट्स पास कराए गए हैं, सारी लिस्ट वहां पर होती है। यूनिवर्सिटीज को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट करनी होती है, अपलोड करनी होती है, पर यूनिवर्सिटीज ऐसा करती नहीं है। अगर ऐसा यूनिवर्सिटीज अपलोड करेंगी लिस्ट को, तो बैकडेट की डिग्रीज कैसे बांटेंगे ये लोग? तो ये लोग इस रूल का भी फॉलो नहीं करते हैं। साथ में ही एक आता है डीजी लॉकर। डीजी लॉकर के बारे में ये बोला गया, जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में, उसकी एक लिस्ट ईयर वाइज डीजी लॉकर पर डाली जाएगी, स्टूडेंट्स का डाटा भी डाला जाएगा। ये यूनिवर्सिटीज वो भी नहीं करती। अगर ऐसा करेंगे, डाटा सबमिट हो जाएगा, तो बैकडेट डिग्री किस तरह से ये लोग बांटेंगे? साथ में ही यूजीसी के पास अपडेट होना चाहिए, साथ में ही डिस्टेंस एजुकेशन, डेब की मैं बात कर रहा हूं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, या फिर अब तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी सिस्टम चल गया है। दोस्तों, बैकडेट की डिग्री कभी भी आपके लिए वेरीफाइड डिग्री नहीं हो सकती, प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करें, और भी आसान तरीका, आप यूनिवर्सिटी जाए किसी भी बहाने से कि मुझे अपना माइग्रेशन लेना है, या फिर मुझे अपनी डिग्री लेनी है, या फिर मैं चेक करना चाहता हूं कि उसके अंदर जब मेरा एडमिशन हुआ मेरी फोटो लगी है कि नहीं लगी है। आप कभी भी अगर यूनिवर्सिटी से अपनी फाइल मांगोगे दोस्तों,
मेरा दावा है और मेरा ऐसा मानना है, आप में से अगर 100 स्टूडेंट्स जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, 95 की फाइल वहां नहीं मिलेगी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर हमें बताते हैं ये चीजें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में गया, जैसे ही मैं डिग्री लेने के लिए गया तो सवाल जवाब करने लगे, जब मैंने अपनी मार्कशीट्स दिखाई, ऑनलाइन रिजल्ट दिखाया तो मुझे बोलते अपना माइग्रेशन लेकर आओ, क्योंकि माइग्रेशन तक रिकॉर्ड में नहीं लगा था। बोलते कि एक फॉर्म भर दो, फॉर्म दिया गया वो एडमिशन फॉर्म जो एडमिशन टाइम पे भरा जाना था, साथ में मेरी फोटो तक नहीं थी, मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तक नहीं थे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो इन यूनिवर्सिटीज ने आपकी मार्कशीट कैसे इशू कर दी? क्योंकि हो सकता है कि ये किसी भी कंसल्टेंट से कहीं से भी एक्सेल पर रिकॉर्ड मंगा लेते हैं, उसी को छाप कर देते हैं, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी यूनिवर्सिटी तो हाथ खड़े कर देगी कि हमने वो मार्कशीट या हमने वो डिग्री दी ही नहीं। फंसेगा कौन? कंसल्टेंट। जेल कौन जाएगा? कंसल्टेंट और स्टूडेंट। क्योंकि मिली भगत 120 भी जो बोलता है हमारा इसके अंदर कि षड्यंत्र किया गया, मतलब कि मिली भगत होती है कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने प्लानिंग करके आपने कोई डिग्री खरीदी, तो आपकी इंटेंशन क्या है उस डॉक्यूमेंट का यूज करने की? आप कोई भी डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट को आप यूज करेंगे एज अ जेन्युइन, दोस्तों वो तो अपराध है, सिंपल सी बात है। आप 467 468 आईपी सेक्शंस पढ़ना, आप या 471 को पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा 420 भी क्या होता है। तो कंसल्टेंट तो फंसेगा ही फंसेगा, स्टूडेंट भी फंसेगा, यूनिवर्सिटीज हाथ खड़े कर देती हैं, यूनिवर्सिटी आपको ज्यादा एविडेंस देती ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। फाइल आपको जरूर निकलवानी चाहिए यूनिवर्सिटीज में जाकर, किसी भी बहाने से निकालें, कुछ भी चीज आप जाकर बोलें, बट अपनी फाइल पर एक बार नजर जरूर मारें, क्या आपकी फाइल यूनिवर्सिटी में बनी है। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन फाइल्स की डिमांड करें, कोशिश करें किस तरीके से फाइल निकाल सकते हैं। आरटीआई आप लगाओगे, जैसे आप आरटीआई लगाओगे अपना रिकॉर्ड मांगोगे यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी सीधा कंसल्टेंट को कॉल करेगी या फिर आपको ही कॉल कर देगी वहां से कि आप यूनिवर्सिटी आओ। अगर यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी बुलाती है तो समझ जाइए वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी फाइल वहां बनी हुई ही नहीं है। और अगर यूनिवर्सिटी बोलती है हमारी यूनिवर्सिटी की साइट पर एक फॉर्म डला है, इतनी फीस जमा करके हमें भेजो, तो दोस्तों मेरा मानना है आपको वो भी भेजना चाहिए। आप वो भेजिए, पूछिए, अगर वेरिफिकेशन वहां पर है तो फाइल जो होती है उसको देखने का भी एक राइट आप मांगे कि मैं फाइल को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। दोस्तों फाइल का इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो इस चीज की, इवन आप यूनिवर्सिटी को लेटर लिख सकते हो, रजिस्ट्रार साहब को, वीसी साहब को, या जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसे भी आप लिख सकते हो कि मैं अपनी फाइल को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, मेरी फाइल में मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने वाला है, मैं कल कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। आप ये सब बोलोगे, फाइल को इंस्पेक्ट करोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा दावा है कि 100 में से 95% स्टूडेंट्स की अपडेटेड फाइल आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगी नहीं, आप बेशक एक बार जाकर देख लें। दोस्तों मेरी अपील यही है आप सभी से कि कोई भी बैकडेट डिग्री ना ले, बैकडेट डिग्री के चक्कर में ना पड़े, कई कंसल्टेंट्स और कई स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हुई है। यूनिवर्सिटीज तो आगे निकल जाती है अपने प्रमोशन करके, नई नई यूनिवर्सिटीज को बनाकर, नाम बदलकर यूनिवर्सिटी के, बट फंसते आप लोग। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।